क्या हुआ बुआ, आप रुक क्यों गई? बोलिए ना, यही तो सुनना चाहते थे हम। इसलिए तो हम झूठी प्लानिंग करके उनके बुरा। क्या हुआ बुआ, आप रुक क्यों गई? बोलिए ना, यही तो सुनना चाहते थे हम। इसलिए तो हम प्लान करके झूठ बोल रहे थे। इसलिए तो हम प्लान करके आपकी प्लान करके बुराई कर रहे थे आपके होने वाले पति की। बेटा थोड़ा चीट कर, अब चीट कर, सब अलग अलग एक्शन। क्या हो, क्या हुआ बुआ, आप बोलिए ना, चुप क्यों? क्या हुआ बुआ, आप बोलिए ना, और बोलिए, चुप क्यों हो गई? यही तो सुनना चाहते थे हम। इसलिए तो हम बुराई कर, इसलिए तो हमने प्लान करके बुराई की आपके होने वाले पति। थोड़ा चीट कर, और चम्मच अगर मुंह में ले जा रही है तो पूरा ले जाना। क्या हुआ बुआ, आप बोलिए ना के होने वाले हस्बैंड की, ताकि आप तारीफ करें और हम सुने। वैसे हमारे घर की लेडीज ना बहुत ही लकी है, सब हस्बैंड इतना अच्छा, वैसे हमारे घर की लेडीज बहुत ही लकी है, सब हस्बैंड इतना अच्छा खाना बनाते हैं ना कि पूछे मत। क्यों पापा? क्या क्यों, तब से खाना खाओ और सो जा जाके। मैं क्या कह रहा था कि मैंने सुना है कि जब ससुराल में बहू पहली बार खाना बनाती है, बेटा चीट चीट रोलिंग एक्शन। मैं कह रहा था कि जब ससुराल में बहू पहली बार खाना बनाती है तो उसे कुछ नेक दिया जाता है, तो यही रूल जेंट्स पे भी लागू होना चाहिए, तो मुझे भी नेक मिलना चाहिए ना। सामने से राजबन्ना ने बोला, हाँ हाँ बेटा मिलेगा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्या चाहिए तुम्हें बोलो। राजबन्ना सामने बैठे, राजबन्ना ने बोला, हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, क्या चाहिए बोलो। समीर ने बोला, मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। और उसने बोला, प्लीज अब देर मत कीजिए, जल्दी से मेरी सगाई करवा दीजिए रश्मि प्लीज। राजश्री ने बोला फिर वहां से, समीर बेटा इतनी जल्दी क्या है? दीवानी ने बोला, हाँ हाँ कौन सा भागे जा रही है, आराम से करते, पहले तुम्हारे परिवार वालों से मिलते हैं, बातचीत कर लेते हैं। समीर ने बोला, वो बात यह है कि मुझे बहुत जल्दी है, क्योंकि मुझे मेरी शादी करा के फिक्स मुझे फ्री कर दो, क्योंकि अगले महीने ना मैं जा रहा हूँ अब्रॉड, तो वहाँ 6 महीने के लिए मैं रहूँगा, तो रश्मि यहाँ रहेगी, मैं वहाँ रहूँगा और सब कुछ हो नहीं पाएगा। मैं जा रहा था कि शादी करके रश्मि को भी वहाँ ले जाता तो अच्छा रहता, तो जल्दी से मेरे लिए जल्दी दी प्लीज़, एक कल पंडित जी को बुला के डेट फिक्स कर दीजिए। नैतिक ने वहाँ से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं कर देंगे ना, कल ही बुला लेते पंडित को। और दीवानी ने बोला, पर नैतिक बेटा इतना जल्दी? उसने बोला, अरे कोई बात नहीं, ऐसे चलता है। आपको क्या शक है मेरे? बोला, आपको कोई शक है क्या? सबने देखा। नैतिक ने बोला, नहीं नहीं छोटी माँ तो ऐसी मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं। तो और समीर ने बोला, हाँ अच्छा मजाक कर रही थी, फिर तो मेरे साथ बहुत जमे गया। चालू किया, बहुत अच्छा, तुमने उसको देखा, तुम्हारा याद नहीं है। एक्शन देखा बच्चों, सब लोग, सब लोग ये बैठे हैं, उठ जा भाई, रोलिंग एक्शन। देखा खाने में मजा नहीं आया, सब खा तो रहे हैं लेकिन सब ड्रामा कर रहे हैं। और उसने पूछा, कैसा बना है, कैसा बना है, तो थोड़ा ड्रामा करते रहे, इधर उधर सब लोग बातें कर रहे हैं, झूठी झूठी नाटक कर रहे हैं। और रश्मि ने बोला, इतना तो अच्छा बना है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, सब देखा। और आजकल चल रहा है कि समीर अंकल आए हैं और रश्मि बुआ का हाथ मांगने आए हैं वो, और हम ऐसे उनके टेस्ट ले रहे हैं बहुत सारे, उनको हमने बुद्ध भी बनाया रश्मि बुआ को, सो दैट हमें सुनने को मिले उनके अप्रिसिएशन, समीर अंकल के अप्रिसिएशन। और हम बहुत ट्रिक्स कर रहे हैं, बहुत उनकी टेस्ट, बहुत उनका टेस्ट ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और आगे के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो तो आपको देखने पे ही पता चलेंगे, सो कीप वॉचिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है। जैसे कि अभी जन्माष्टमी गई है, तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया, और जैसे कि ये रिश्ता कहलाता है एक हाउस ऑफ फेस्टिवल कहलाता है। हाँ, सो ये रिश्ता क्या कहलाता है इज अ शो ऑफ फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस। सो जन्माष्टमी को हमने खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया, हमने नक्श भैया को कृष्णा बनाया, और उन्होंने लाइक कुछ बैड बॉयज एक लड़की को टीस कर रहे थे, तो उस लड़की को भी बचाया, और बहुत मज़ा आया। भाई कृष्णा बन के बहुत अच्छे लग रहे थे, कुछ लोग तो घर पे भी आ गए थे उनको असली कृष्णा का अवतार समझ के, सो बहुत मज़ा आया, बहुत कॉमेडी भी थी कुछ कुछ चंक्स में, सो यू विल एंजॉय दैट। थैंक यू।